ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। जहां दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अपने आप को जंजीरों में जकड़े एक युवक ने खूब हंगामा किया। समान शिक्षा के अधिकार की मांग को लेकर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे इस युवक को काबू में करने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। मौके पर जायजा लिया हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार ने। मुख्यालय के नजदीक एक व्यक्ति जंजीरों में जकड़ा हुआ यहाँ पर लाया आया है और प्रदर्शन किया है और उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। नारे लगाए हैं उसने, शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए ये मांग की है। इसको फिलहाल लेकिन ये शिक्षा के अब और राहुल मोदी होश में। अच्छा ये राहुल के गांधी के खिलाफ ये नारे लगा नहीं, भाजपा के खिलाफ दोनों लोग से मांग है। अच्छा, हम लोग को दोनों लोग से मांग है कि पूरे देश में शिक्षा एक समान होना चाहिए। और ये उनके समर्थक भी हैं, चार लोग बताए जा रहे हैं। बलिया से ये आया है व्यक्ति और इसको फिलहाल हिरासत में लिया है। इसने यहाँ शांति भंग की है और इसीलिए जिस तरीके से नारेबाजी हुई है उसके बाद इसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।